वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वर्जिन प्लेसेस। कश्मीर सीरीज के सेकंड पार्ट में मैं हूं अभी एक ऐसे प्लेस में जिसे नियाग्रा फॉल ऑफ कश्मीर कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं अहरवल वाटरफॉल की, जो कि कश्मीर का एक फेमस वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल की खास बात कई सारे है, जिसमें से एक ये है अमंगस्ट द टूरिस्ट ये ज्यादा फेमस नहीं है, यहाँ पे लोकल्स जो कश्मीरी है वो बहुत आते हैं। जैसा आपको पता है कि मैं जिस भी प्लेस में जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ लोकल से कांटेक्ट करने का, और फिर वहाँ कुछ दिन स्टे करने के बाद फिर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे किसी लोकल ने बताया अगर आप कश्मीर आए हैं तो इस प्लेस को जरूर विजिट करें, इस अहर वाटरफॉल को, जो कि नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, राउंड द ईयर ओपन रहता है और आप इसमें यहाँ पे गर्मी में और सर्दी में जब भी चाहे आके विजिट कर सकते हैं। कश्मीर सीरीज के सेकंड पार्ट में आज का हमारा पहला ट्रिप है और हम जा रहे हैं अहरवल। जस्ट अभी होटल से हम बाहर निकले हैं और जो हमारा होटल है वो डल लेक के सामने है और यहाँ से अहरवल तक पहुँचने में लगभग 2.5 घंटे लगने वाले हैं। तो हम पहले वहाँ पहुँचते हैं और रास्ते में अगर कुछ ऐसा दिखा कोई पॉइंट तो हम रुक कर फिर आपसे शेयर करेंगे। सो गाइज, मैं अभी एक पॉइंट पर रहता हूँ जिसे दुबजन पॉइंट कहते हैं, लोकल जिसे दुबजन कहते हैं। आप देख रहे होंगे दो रास्ता जाता है, अगर राइट साइड जाते हैं तो फिर हम दुबजन जाते हैं और इससे आगे है पीर की गली, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो फिर हम अहरवल जाते हैं जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। पीर की गली में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने के लिए और एक फेमस दरगाह है यहाँ का, तो लोग वहाँ देखने जाते हैं। दुबजन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप विजिट कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ कि मैं आपको ये पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। ये दुबजन रिवर है और आप देख सकते हो कितनी चौड़ी नदी है, और एट प्रेजेंट अभी सब जगह बर्फ़ जमा है तो पानी का फ्लो बहुत कम है, लेकिन अगर समर टाइम पर आते हैं तो बेहतरीन नज़ारा होता है देखने के लिए। नीचे उतरने का रास्ता भी इसके आगे से होके, तो वहाँ पर जाके कुछ लोग आप कुछ देर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यही बात करें अगर स्नोफॉल के बाद जब आप आएंगे तो ये पूरी नदी भी जम जाएगी और पूरी नदी पे सिर्फ आपको बर्फ बर्फ दिखेगा, सामने पहाड़ और कुछ हरे भरे पेड़ दिखेंगे। तो आप जब कभी अहरवल जा रहे हो तो इस प्लेस पे ज़रूर आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ देर हम रुकेंगे और फिर यहाँ से हम आगे की तरफ चलेंगे अहरवल। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है तो हम आगे चलते हैं। फिर सो गाइज, वो है प्लेस जहाँ पे हमने जाना है कि अब यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर रह गया जाने के लिए। हम पैदल ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं और गाड़ी का रास्ता वहाँ से होते हुए बैक से हम नीचे इस तरफ से जाएंगे। 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है, 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है टॉप से देखने की बात ही कुछ और होती है और यहाँ से कम्प्लीट व्यू दिख रहा है। जहाँ पे मैं चाय पीने के लिए रुका था तो हाथ धोने के लिए इन्होंने ये रखा हुआ, मैं इसको दिखाता हूँ इसमें क्या हो गया। हटाना, इसको हटाना भी, ये देखो पूरा बर्फ जम गया है, ये प्लास्टिक है इसे पानी तक हाथ धोने के लिए, ये पूरा बर्फ जम गया है। पहले जा सकते हैं ना वाटरफॉल तक, कोई दिक्कत नहीं। खूब खिली है पर आप बिल्कुल भी इसे हल्के में ना ले, ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप बस देखने के लिए है। जहाँ तक धूप है तब तो थोड़ी राहत है, जैसे कहीं पे छाँव पड़ती है तो शरीर कांपने लगता है। अब एट प्रेजेंट टेम्परेचर -2 है यहाँ पर।
अब यहाँ से अगेन दो रास्ता है, हमें ये वाला रास्ता लेना है, और पहले आप यहाँ से भी जा सकते थे नीचे होके, तो वो रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे जाया जाता था। ये वो रास्ता था जिसके थ्रू आप जा सकते थे शॉर्टकट। ये गेट भी है, एक तरह से डैम का गेट है, लेकिन पहले भी जाते थे लोग यहाँ से, तो वो रास्ता एट प्रेजेंट बंद पड़ा है। शोपियान और कुलगाम, ये दो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे पड़ता है ये वाटरफॉल, और दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के लोग क्लेम करते हैं कि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस प्लेस पे लोकल्स जो कश्मीरी है वो बहुत आते हैं एज़ कम्पेयर टू टूरिस्ट, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं होता है। इस प्लेस को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी होता है ना कि जो बेस्ट चीज़ है आप बचा कर रखते हैं खुद के लिए, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही कि कश्मीरियों ने इस प्लेस को इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहते नहीं शायद कि हम यहाँ आए और देखें इतनी खूबसूरत जगह उन्होंने खुद के लिए बचा रखी है। देखने के बाद आप यकीन से मैं कह सकता हूँ कि वापस जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, मतलब क्या ही मैं बताऊँ। जब स्नोफॉल नहीं है तो ये है, जब स्नोफॉल होगा तो फिर ये और ये सारा बर्फ़ से कवर होगा, स्नो के टाइम पे भी ये वाटरफॉल नहीं जमता है, ये इसकी खास बात है। बात करते हैं इस प्लेस पे आने का। इस प्लेस पे आने के लिए आप श्रीनगर से डायरेक्ट टैक्सी लेके आ सकते हैं अहरवल। वाटरफॉल से लगभग 500 मीटर पहले वहाँ पे गाड़ी रोक देती है, एंट्री पॉइंट पे टिकट लेना होता है, पर पर्सन 15 रुपये का चार्ज है। राउंड द ईयर आप आ सकते हैं यहाँ पे। डल लेक से लगभग 2.5 घंटा लगता है यहाँ पे आने के लिए, और गर्मी में आएंगे तो भी अलग मज़ा है, और सर्दियों में आएंगे तो फिर अलग ही मज़ा है इसका। दो साल पहले तक या एक साल पहले तक, मुझे अगर मैं सही से मुझे याद है, एक साल पहले तक ये रास्ता खुला हुआ करता था और लोग जाके एंजॉय करते थे और बिल्कुल वहाँ तक जाते थे, इस पॉइंट तक आते थे, ये बिल्कुल इस पॉइंट तक आते थे लोग नहाने के लिए, एंजॉय करने के। फिर बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा कई सारे गिर गए, फिर बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। अब ये लास्ट पॉइंट है ऊपर जाने के लिए, ऊपर से अब देखने के टॉप व्यू, तो मैं जा रहा हूँ सीधा ऊपर। दिखाता हूँ आपको इस प्लेस से कंप्लीट व्यू इस वाटरफॉल का। वैसे तो वाटरफॉल की हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका लोकेशन और इसकी खूबसूरती ये इसको लाजवाब बनाती है, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ये वो रास्ता है जिससे होके आगे तक जाया जाता था, जो ये पगडंडी से बनी है, यहाँ पर लोग आते थे और सामने नहाते थे। तो क्या हुआ कि कई मिस हैपनिंग्स की वजह से इस रास्ते को अब ब्लॉक कर दिया गया है। इस प्लेस को मैंने एक्सप्लोर कर लिया है और मैं इसे 9 out of 10 रेट करूंगा, और एक जो रह गया कसर वो इसलिए मैंने काट लिया है एक पॉइंट, क्योंकि ये मुझे इधर से जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। अगर इधर से जाने के लिए अलाउ करते हैं फिर मैं 10 out of 10 देता, और
आप में से कोई कश्मीर आ रहा हो तो इस प्लेस को अपने मस्ट विजिट प्लेस के लिस्ट में ज़रूर रखें। हम लोग अभी अपना ट्रिप एंड करके वापस जा रहे थे, तो जैसा मैंने कहा किसी भी जगह पे जाएं तो अगर आप लोकल्स की हेल्प लें तो काफ़ी आपको यूज़फुल होगा आपके लिए। तो अभी मुझे रास्ते में मिले राउफ भाई और उन्होंने बताया कि जो वाटरफॉल हम देख रहे थे ऊपर से नीचे गिरते हुए, तो अब हम वाटरफॉल के ऊपर टॉप पर जाएंगे और वहाँ से जाने के लिए अलाउड नहीं था क्योंकि मैंने आपको रास्ता दिखाया था बंद था। अभी क्या है कि अभी हम रास्ते से जब वापस जा रहे थे तो हमें इस ब्रिज के पास इन्होंने रोका और वो सामने पत्थर दिख रहा है आपको एक बड़ा सा, इस पत्थर के अंदर से एक रास्ता है, इस पत्थर के अंदर से होते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और फिर इस वाटर से होते हुए अगर आप चाहें तो इधर से होते हुए नदी के साथ साथ आप चल सकते हैं जहां तक आपको जाना आपके ऊपर है। लेकिन बेस्ट पार्ट है इस पत्थर से होते हुए अंदर नीचे वाटर के स्ट्रीम तक जाएंगे और फिर वहां से होते हुए आप वो रास्ता दिख रहा है, वहां से होते हुए वाटरफॉल नीचे पानी गिरता है जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा पानी में थोड़ा सा, यहां से बिल्कुल ज़्यादा पानी इधर जाता है और एक इधर जाता है जो वाटर स्ट्रीम है वो वाटरफॉल बन के वहाँ से नीचे गिरता है। तो हम चलते हैं अभी उस पत्थर के पास, थोड़ा सा एडवेंचरस है और देखते हैं कैसा एडवेंचर होता है हमारा, आपको भी दिखाते हैं। थोड़ी सी इशू आ रही है हमें, इशू ये है कि जो रास्ता है वो हमें समझ में नहीं आ रहा नीचे कैसे उतरे। मैं और रूप भाई ढूंढ रहे हैं उस रास्ते को। सो अब आ गया ये गुफा वाला रास्ता। ओह माय गॉड, इसमें तो जाना मुश्किल है। इसमें से आराम से जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? इस पत्थर से होते हुए हमें नीचे रिवर तक जाना है और ये वो रास्ता है जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है सिवाय लोकल्स के। रऊ भाई हमारे साथ है, इन्होंने वो रास्ता हमें दिखाया, इन्होंने मुझे हेल्प किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए और इन्होंने प्रॉमिस किया कि जब मैं समर के टाइम में आऊँगा तो फिर मुझे उस प्लेस पे भी ले जाएंगे जहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, आप चाहे तो एडवेंचर को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो इस रास्ते से जा सकते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया, स्टिप डाउनवर्ड्स है आपको वहाँ जाना हो, और दूसरा अगर सेफ रास्ता ढूंढते हैं तो इधर से घूम के आप इस रास्ते को ले सकते हैं जो रिलेटिवली आसान है, तो इधर से होते आप सीधा वहाँ जा सकते हैं। मैं उतर तो गया हूँ लेकिन सच बताऊँ तो देखो कैसा स्टिफ चढ़ाई है ऊपर से, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही स्टिफ होते चढ़ाई होते हुए मुझे कई जगहों पर जंप भी करना पड़ा और फिर मैं इस जगह पे फाइनली हूँ। यहाँ पे हो गया है, कवर कर लिया है मैंने, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ और फिर मैं फाइनली चलूँगा यहाँ से बाहर। थोड़ी सी मेहनत के बाद यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये प्लेस बहुत कम लोगों को पता होगा और देखो कितनी खूबसूरत जगह है ना, कश्मीर की खूबसूरती के बारे में कौन नहीं जानता, बट होता क्या है आपको वहाँ तक पहुँचना होता है। अगर अभी हम ड्राइवर के भरोसे होते हैं तो शायद हम वापस जा रहे होते। मैंने जब वीडियो को कंक्लूड किया था तो मैंने बोल भी दिया था कि मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन थैंक गॉड भला हो इन रऊ भाई का जो मुझे मिल गए और वो यहाँ के लोकल हैं तो फिर वो मुझे इस प्लेस पर लेके आए। देखो ये पानी यहाँ से
बिल्कुल होता हुआ जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है बिल्कुल। अभी राहुल भाई ने मुझे बताया कि ये जो पानी है जो यहाँ से आ रहा है 10% इंडिया की तरफ आता है और 90% पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। यहाँ से 3 घंटे की ट्रैकिंग करके हम उस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं जहाँ से पानी आता है। तो विंटर के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं, उन्होंने बताया अगर आप समर के टाइम आते हैं फिर ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आप उस एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठता हूँ, थोड़ा सीनिक ब्यूटी को इन्जॉय करता हूँ और फिर हम वापस चलेंगे। लेकिन जो नज़ारा है ना, क्या ही मैं बताऊँ इस नज़ारे के। इस बार के कश्मीर के ट्रिप में स्टार्ट ही एकदम झकास हो गया है, जिसे कहते हैं ना आपको लॉटरी लग गई है। आह इतना शानदार जगह यार। इट वॉज इनक्रेडिबल। ऐसा सीन अभी तक मैंने कश्मीर के ट्रिप में नहीं देखा था। थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन जब चैलेंजिंग कोई चीज़ हो तो उसका मज़ा डबल हो जाता है, डबल ही क्या कई गुना बढ़ जाता है। ये अच्छा एक्सपीरियंस था। आप भी आएँ तो इस प्लेस पर ज़रूर विज़िट करें। गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। मिलते किसी नई वीडियो में नई प्लेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।